सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाइंड है या कची मिसरी जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप वर्ती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में भारतीय जनता पार्टी के मध्यवर्ती जनसंपर्क कार्यालय अवैध होने की जानकारी देते हुए समाज सेवक अरुण मसंद ने इस कार्यालय पर त्वरक कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित शिकायत मनपा आयुक्त डॉक्टर राजा दया ने दी और महापौर लीलादाई आशान को की थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के अवैध कार्यालय पर त्वरक कार्रवाई नहीं की गई तो 4 अप्रैल को आत्मदाह करने की चेतावनी अरुण मसंद ने मनपा प्रशासन और पुलिस को दी थी, जिसके चलते पुलिस ने एक दिन पहले ही अरुण मसंद को ताबे में ले लिया, जिससे अरुण का आत्मदाह करने का प्रयत्न विफल हुआ और अरुण को बाद में न्यायालय से बेल लेनी पड़ी। पहले मैंने बीजेपी कार्यालय उल्लासनगर का जो है कुमार एलानी जी के राज में बना है वो, उसको इनलीगल करके मैंने तोड़ने के लिए महानगर पालिका में एप्लीकेशन दिया था कि उप महापौर, महापौर, कमिश्नर साहब को जो जो पदाधिकारी है उनको दिया था और तोड़फोड़ विभाग के गणेश साहब को भी दिया था मैंने। तो उन्होंने मेरे को, मैंने उनको बोला था कि 4 तारीख तक मेरे को ये रिप्लाई चाहिए, क्यों महानगर पालिका उस दिन संपन्न होने वाली थी और 31 तारीख को महासभा थी, उसमें मैंने आशन साहब को भी बोला था, मैडम को भी बोला था, रिक्वेस्ट किया था और वो इसके लिए बोला था कि यूपी में ये लोग चला रहे हैं और तोड़ रहे हैं गरीबों के घर और उल्लासनगर में यहाँ पे क्यों ऐसा रखा हुआ है, उसका मेरे को जानकारी चाहिए था। और कुमार साहब जो भी कार्यकर्ता है उनको यूज एंड थ्रू समझते हैं। जब ऑफिस बन रहा था तब शिकायत क्यों नहीं किया? हाँ, जब ऑफिस बन रहा था तब आपने शिकायत क्यों नहीं की? तब मैंने इसके लिए ऑफिस के लिए, तब वो मेरे साथ अच्छे थे और मेरे को उस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि वो इनलीगल वे से बन रहा है। नहीं, उस टाइम आपके साथ अच्छे थे इसलिए आपने? नहीं नहीं, अच्छे की बात नहीं है, अच्छी जानकारी नहीं थी कि मेरे को वो चीज़ वो इनलीगल चालू है। आज मेरे को कम से कम मालूम है वो चीज़ इनलीगल है और उसके मैंने माइती अधिकारी वगैरह सब निकाल के रखा है। आज मैं कन्फर्म हूँ, आज वो देवे कि उनके पास है वो देवे, वो न्यूज़पेपर में, वो न्यूज़पेपर में डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं अरुण मसंद को नहीं पहचानता हूँ और बोल रहे हैं ये बीजेपी कार्यकाल का मेरा कोई मतलब नहीं है, जम्मू पुरस्वानी जी का दे रहे, न्यूज़पेपर में ऐसा कटिंग आया है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये उनके जम्मू पुरस्वानी जो अभी शहर अध्यक्ष हैं, हाँ, भाजपा के, उनसे शिकायत की क्या आपने? मैंने उनको कॉल किया था, उन्होंने मेरे को बुलाया था कि आप कल आ जाओ, लेकिन मेरे को कल अरेस्ट करके रखा था 4 तारीख को, कल मेरे को बुलाया था 3 तारीख का, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है। क्यों अरेस्ट किया था? कि मैं खुद को पेट्रोल डाल के जला दूंगा, इसके लिए मेरे को पुलिस ने सवेरे 9 बजे लेकर जाके कल 4 तारीख को बिठा दिया पुलिस स्टेशन में। मेरे को अच्छा बिहेवियर किया पुलिस ने और समझाया मेरे को कि आप किस इंसान के लिए जान देने जा रहे हो, आपकी जान की बहुत वैल्यू है। शहर में किसी कई तरह के भूखंड हड़प हो रहे हैं, आपको सिर्फ ये एक ही भूखंड दिखा क्या? हाँ दिखाना, बाकी आपको आपका आत्मदहन का क्यों इशारा नहीं रहा? क्यों मेरे को जो आमदार साहब है पहले उनसे अपन सुधार करेंगे ना, पहले आमदार साहब से बात करेंगे ना, आमदार अच्छे रहेंगे तो पूरा शहर को आमदार साहब संभालेंगे, मेरी क्या जरूरत है, मैं कौन हूँ, मेरी लायकी क्या है भाई? पर इसके लिए तुम कमिश्नर से मिल सकते हो जो, हाँ तो अभी उनके किसी को नहीं मिल रहे मेरे भाई, एक मिनट कागज दो, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स है, मैंने सब सबमिट किया हुआ है 29 तारीख को, 29 मार्च को सब सबमिट किया हुआ है और वो मैंने पुलिस विभाग को भी दिखाया है और उसी बेस के ऊपर मेरे को आज जज साहब ने मेरे को बेल दिया है। आए थे मेरे 3 एडवोकेट, उन्होंने बहुत मेहनत करके मेरे को बेल दिलवाया है। आपकी अगली भूमिका क्या रहेगी? अगली भूमिका मेरी गांधीगिरी रहेगी, मैं खुद को नहीं मारूंगा, मैं कमिश्नर साहब के पास भूख हड़ताल करके बैठूंगा आने वाले 8 से 10 दिन के बाद। हाँ, परमिशन लूँगा, परमिशन जब मिल जाएगी 8-10 दिन 15 दिन मैं भूख हड़ताल करके बैठूँगा कमिश्नर साहब के पास कि उसको तोड़ा जाए। हाँ, और मेरे को एक बात ये भी बताना है, मेरे को पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया लेकिन एक भाईचारे में पुलिस वाले ने मजाक में एक बात बता दी, ऐसा मैं पूरा दिन उधर बैठा था नर्वस तो उन्होंने बताया तू भाई इतना बड़ा इंसान है क्या,
मैंने क्यों साहब क्या बात है? अरे बोले तेरे लिए चौहान साहब का फ़ोन आ रहा है, फनीर साहब का फ़ोन आ रहा है। मैंने क्यों? बोलते उसको दबा के रखो, वो ऐसा बीजेपी के लिए ऐसा कैसा बोल रहा है, कुमार साहब के लिए कैसा बोल रहा है। मैंने साहब मेरे को नहीं मालूम, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी। आपने पद से इस्तीफा दिया है नहीं दिया? ये पद है ना, जब आमदार बनते हैं ना तो ये कैंसिल हो जाता है। तब से मैं उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि साहब हम लोग को कार्य करने का मौका दो, लेकिन कैसा है, वो जब से इलेक्शन जीत गए वो टिश्यू पेपर समझते, यूज एंड थ्रो कर देते पब्लिक को। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।